100 यूरो 200 यूरो इस तरीके से मिलता है, तो ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा यहाँ, तो उसकी ज़रूरत आपको आते ही पड़ेगी, तो वो भी यहाँ पे नहीं मिलता है, तो वो भी मैं इंडिया से लेकर आ, इस डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेकर आना चाहते हैं, कैश की बात हुई है तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि निरूप, और मैं हूं निधि आपके साथ, और मैं फिर से लेके आ गई हूं एक नया वीडियो आप लोगों के लिए। और आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप किसी भी एशियन कंट्री से यूरोप के किसी कंट्री में मूव हो रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, तो ऐसी कौन कौन से सामान है जिसे आपको याद से लेके आना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करके आनी चाहिए, साथ ही ऐसे कौन कौन से सामान है जो आपको लेके नहीं आने चाहिए। तो बिना लेट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, और मैं पर्टिकुलर ऑस्ट्रिया के बारे में बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैं रहती हूँ ना ऑस्ट्रिया में, लेकिन मैं सारे इंपॉर्टेंट सामान जो आपको बता रही हूँ, जो आपको लेके आने चाहिए, वो सारे कंट्री में, यूरोप की किसी भी कंट्री में अगर आप आ रहे हैं, तो वो सब जगह फिट होगा कि वो सामान आपको लेके आने चाहिए और कौन कौन से सामान आपको लेके नहीं आने चाहिए। तो बिना लेट किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं या लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, तो आपको अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी सबकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी अपने साथ जरूर लेके आनी चाहिए। आपका पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, और भी अगर सर्टिफिकेट्स हैं, तो अगर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट को अपस्टाइल कराने की ज़रूरत नहीं है, अगर 1 मंथ से लेके 1 ईयर के बीच की पीरियड के लिए अगर आप आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं वो अपोस्टाइल करा के यहाँ पे लेके आने चाहिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सबकी आपको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी साथ रखनी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली आपके साथ आ रही है, आपका आपकी स्पाउस भी आपके साथ आ रही है, और अगर वो जॉब नहीं कर रही है, तो उसको डेफिनेटली अपने जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो याद से अपोस्टाइल करा के लेके आने चाहिए। क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप आ रहे हो फैमिली को लेके, तो आपकी वाइफ यहाँ पर आने के बाद डेफिनेटली वो भी जॉब सर्च करेगी यहाँ पे, आपके हस्बैंड जॉब सर्च करेंगे अगर आप वाइफ हैं तो। तो अगर आप पोस्टल करा के अपने सर्टिफिकेट लेके आएंगे तो बहुत हेल्प होगा आपको यहाँ पर जॉब ढूंढने में। साथ ही आप अपने साथ बेसिक जितने भी मेडिसिन हैं वो ज़रूर साथ लेकर आएँ, जैसे कि फीवर है, सर्दी खांसी है, तो स्टार्टिंग के लिए आप अपने साथ में मेडिसिन ज़रूर साथ में रखें। और ठंड में अगर कहीं आप आ रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको याद से मेडिसिन साथ में लेकर आना चाहिए, बेसिक जो भी मेडिसिन है वो। और यहाँ पर होम्योपैथी मेडिसिन मिलती है, लेकिन होम्योपैथी मेडिसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं तो इंडिया से आ रहे हैं तो आप लेके साथ आएँ तो आपको बेहतर होगा। साथ ही अगर आप आयुर्वेदिक मेडिसिन, कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे मेडिसिन आप अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि तुरंत ही यहाँ पर आपको वो सब मिल जाएगा, ये बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है। तो बेसिक मेडिसिन और अगर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन आप यूज़ करते हैं तो वो अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। और अगर आप बच्चों के साथ अगर आ रहे हैं, छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो उनके भी सारे बेसिक मेडिसिन आप साथ लेकर आएँ। साथ ही अपने साथ में इंटरनेशनल ट्रैवल अडाप्टर याद से लेकर आएँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको आते ही पड़ेगी, तो इंटरनेशनल ट्रैवल अडाप्टर अपने साथ लेकर आएँ। साथ ही आप अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड चेक करके लेकर आएँ कि उसमें इंटरनेशनल फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, और नहीं है तो इंटरनेशनल फैसिलिटी उसमें आप अवेलेबल करवा लें, उसके बाद ही अपना डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड लेकर आएँ, क्योंकि हो सकता है बीच में ट्रैवल के समय आपको कहीं पर ज़रूरत पड़े उसकी और आपको यूज़ करना पड़े। तो याद से अपने जितने भी डेबिट कार्ड हैं बैंक के और क्रेडिट कार्ड हैं, उसमें इंटरनेशनल फैसिलिटी आप अवेलेबल करवा कर लेकर आएँ। साथ ही ये ध्यान रखें कि अगर आप यूरोपियन किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया से आ रहे हैं, किसी भी एशियन कंट्री से आ रहे हैं, तो अपने फ़ोन पे आप इंटरनेशनल रोमिंग एक्टिवेट याद से करवा के लेकर आएँ, रिचार्ज करवा कर लेकर आएँ। और साथ ही आप अपने फ़ोन पे नया स्क्रीन गार्ड लगवा लें, कवर लगवा लें, क्योंकि स्क्रीन गार्ड और कवर यहाँ पर महंगे मिलते हैं और उसको लगवाने का प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो अपना जो फ़ोन है पूरा अप टू डेट करके लेकर आएँ यहाँ पर। साथ ही अगला टिप्स मैं दूंगी कि पावर बैंक अपने साथ एक एक्स्ट्रा ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी फ़ोन की बैटरी पूरी ख़त्म हो जाती है और हम ऐसे कोई जगह पे नहीं रहते जहाँ पे हम उसको चार्ज कर सकें। तो आप शायद शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं या अगर आप टूरिस्ट हैं तो ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, तो भी पावर बैंक हमेशा अपने एक साथ एक्स्ट्रा ज़रूर रखें फ़ोन चार्ज करने के लिए। अब अगले सेक्शन आ जाता है प्रेशर कुकर का। तो प्रेशर कुकर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में मतलब जैसे कि आप 3 मंथ प्लस
के लिए अगर यहाँ पर आ रहे हैं, 1 ईयर तक के लिए रहने वाले हैं, और फिर लॉन्ग टर्म में आप 1 ईयर से ज़्यादा रहने वाले हैं, तो दोनों कंडीशन में आपको प्रेशर कुकर लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आप खाना बनाने वाले हैं, मतलब बनाएंगे अगर तो डेफिनेटली प्रेशर कुकर आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिया की तरह प्रेशर कुकर नहीं मिलता है। जो मिलता है वो काफ़ी महंगा मिलता है, अच्छी क्वालिटी का जो मिलता है वो 100 यूरो 200 यूरो इस तरीके से मिलता है। तो प्रेशर कुकर आप डेफिनेटली साथ में लेकर आएँ, क्योंकि अगर आप खाना बनाएंगे तो आपको प्रेशर कुकर बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं, तो आप 2 प्रेशर कुकर लेके आएँ, एक छोटा प्रेशर कुकर लेके आएँ, क्योंकि बच्चों को जैसे हम इंडिया में खिचड़ी बना के देते हैं, दाल बना के देते हैं, तो उसके लिए हमको चाहिए ही होता है। तो एक छोटा प्रेशर कुकर लेके आएँ और एक बड़ा प्रेशर कुकर लेके आएँ अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं, तो ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा यहाँ पर। अब अगला पॉइंट आ जाता है कैश का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, या टूरिस्ट वीज़ा में आ रहे हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, तो भी आप अपनी कंट्री का कैश बहुत ज़्यादा लेकर ना आएँ, कुछ लिमिट में ही रखे रहें, और डॉलर या यूरो लेकर आएँ। यूरोप में आ रहे हैं तो यूरो लेकर आएंगे तो बेहतर होगा। तो यूरो आप कैश रख सकते हैं, क्योंकि वो आप यहाँ आने के बाद आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यूरो आप कुछ कैश रखे रहेंगे तो वो आपको हेल्प होगा, और डॉलर भी रख सकते हैं। तो डॉलर और यूरो साथ होगा तो आप उसको कहीं पर भी एक्सचेंज भी कर सकते हैं, और आप कभी भी उसको यूज़ कर सकते हैं। अभी जैसे कैश की बात हुई है, तो मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब नोटबंदी हुआ था इंडिया में, तो उस समय यहाँ पर मेरे पास मैंने 10K रखे हुए थे, मैंने इंडियन करेंसी में 500 के। तो वो हमें टेंशन हो गई थी कि हम कैसे भेजें, किसके पास भेजें, कैसे एक्सचेंज करें, क्योंकि हम तुरंत जाने वाले भी नहीं थे इंडिया। तो हमने बाई पोस्ट उसको भेजा था, तो मुश्किल से पहुँच गया था। अब अगला सेक्शन आ जाता है क्लोथ्स का। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, तो मौसम के हिसाब से कपड़े लेके आएँ, जिस मौसम में आप आ रहे हैं उसके हिसाब से कपड़े लेके आएँ, और कपड़ों का उतना टेंशन नहीं रहेगा अगर शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं तो। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आप जीन्स, ब्रांडेड जीन्स अगर पहनते हैं तो वो ज़्यादा लेकर आएँ, क्योंकि अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल लिवाइस के जीन्स का एग्ज़ाम्पल दूँगी, तो लिवाइस के जीन्स यहाँ पर मतलब कई गुना ज़्यादा महंगे हैं इंडिया के कंपैरिजन में। तो मैं तो जब भी आती हूँ, तो मैं इंडिया जाती हूँ तो अपने खुद के लिए मैं कई सारे लिवाइस के जीन्स लेकर आती हूँ, क्योंकि मैं वो मुझे बहुत पसंद है लिवाइस का जीन्स। तो मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। और अगर आप विंटर के समय आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप इंडिया से बहुत सारे विंटर के कपड़े साथ में ख़रीद के ले आएँ। कोशिश करें कि बेसिक जो है, थर्मोकोट वगैरह है, जैकेट है, वो आप साथ लेकर आएँ। लेकिन और ज़्यादा अगर आपको कपड़े विंटर के लेने हैं, तो यहाँ आकर लें, क्योंकि यहाँ पर विंटर के कपड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, और यहाँ के विंटर के हिसाब से मिलते हैं। अगर आप इंडिया से ज़्यादा जैकेट वगैरह लेके आएंगे, तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे बाय वैसे भी करना पड़ेगा। तो कोशिश करें यहाँ आने के बाद आप विंटर की शॉपिंग करें, और ट्रेडिशनल जो कपड़े हैं, इंडियन ट्रेडिशनल कपड़े, वो तो डेफिनेटली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो लेकर आएँ। अगर आप शौकीन हैं, तो फेस्टिवल में अगर आपको पहनना पसंद है अपने ट्रेडिशनल कपड़े, तो क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल आपको नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत साल पुराना रखा हुआ किसी शॉप में मिल गया तो मिल गया, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि अगर आप ट्रेडिशनल पसंद करते हैं, तो ट्रेडिशनल कपड़े ज़रूर साथ लेकर आएँ अपने। अब अगला सेक्शन आ जाता है शूज़ का। तो यहाँ पर जब भी आप आएँ, तो शूज़ बहुत अच्छी क्वालिटी का पहन कर आएँ, जिसपे आप बहुत ज़्यादा वॉक करें तो आपको प्रॉब्लम ना हो, और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो आपका शूज़। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें, और ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी का शूज़ आप पहन कर आएँ, चाहे आप समर में आएँ, चाहे आप विंटर में आएँ। लेकिन अगर आप विंटर में आ रहे हैं, तो अगर आपको विंटर बूट्स वगैरह लेने हैं, तो आप उसकी शॉपिंग इंडिया से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यहाँ पर विंटर के शूज़ बहुत अच्छी क्वालिटी के मिलते हैं, और सब टाइप के रेंज में मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप अच्छी क्वालिटी का लेंगे, तो इंडिया में भी ले रहे हैं तो बहुत महंगा मिलता है, कोई सस्ता तो मिलता नहीं आजकल अगर आप ब्रांडेड ले रहे हैं। तो कोशिश करें कि विंटर के शूज़ आप इंडिया से लेके ना आएँ, बेसिक शूज़ पहन कर आएँ, और यहाँ आने के बाद विंटर की शॉपिंग और जैकेट की शॉपिंग और शूज़ की शॉपिंग यहाँ से करें। अब आ जाते हैं फूड में, कि फूड में आपको साथ में क्या क्या लेकर आना चाहिए। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, दोनों कंडीशन में आप स्नैक्स अपने साथ में रख सकते हैं। घर से बना हुआ स्नैक्स अगर आपको लेकर आना है, जितने भी ड्राई स्नैक्स हैं थोड़ा बहुत, वो लेके आ सकते हैं, मिठाई लेके आ सकते हैं। और एकदम स्टार्टिंग के लिए अगर आप आ रहे हैं, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, तो मैगी वगैरह भी अगर आपको लेके आना है, तो थोड़ा सा वो भी रख सकते हैं। बट बहुत ज़्यादा आप खाने पीने का, मतलब जैसे कि आटा दाल चावल लेके आने का प्लानिंग है आपका, तो बिल्कुल भी लेके ना आएँ,
क्योंकि आपका बैग आधे से ज़्यादा उसी में आपका वेट हो जाएगा बैग का, तो कोशिश करें कि जो ज़रूरी सामान है जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलता है वही लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा कुक करने के लिए, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आती हूँ जब भी इंडिया से तो मैं फास्टिंग का अपना जो फूड है वो लेकर आती हूँ, जैसे कि सेंधा नमक लेके आती हूँ मैं, और साथ में एक हमारे तरफ छठ पूजा में एक रेड कलर का राइस ही खाया जाता है पर्टिकुलर, तो वो भी यहाँ पर नहीं मिलता है, तो वो मैं इंडिया से लेकर आती हूँ। तो कोशिश करें कि जो चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती है वो ही लेकर आएँ। अब आ जाते हैं गोल्ड ज्वेलरी के बारे में। तो अगर आप गोल्ड ज्वेलरी लेकर आना चाहते हैं तो पहले जिस भी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ की रूल्स पढ़ लें कि वहाँ पे क्या रूल है गोल्ड लेके आने का, और उसके अकॉर्डिंग लेकर आएँ तो बेहतर होगा, क्योंकि यूरोप के सारे कंट्रियों में अलग अलग रूल्स हैं गोल्ड को लेकर। कुछ कंट्रियों में हमने सुना है कि अच्छा खासा टैक्स ले लेते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा ले लेते हैं वो, तो वो आप पढ़ लें कि आप कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेकर आएँ। और जैसे कि हम ऑस्ट्रिया में लेकर आएँ तो मैं तो जब भी लेके आई तो मैं पहले पहन के लेके आई हूँ, अगर मैं कड़े लेकर आ रही हूँ या गले का कुछ लेकर आई हूँ तो जब कस्टम में जाना रहता है उसके पहले मैं उसको पहनी हुई थी ताकि ज़्यादा कोई टेंशन ना हो करके, और हैंड लगेज में ही रखें अगर छोटे छोटे रखे हुए हैं तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और कंट्री के अकॉर्डिंग आप रूल्स पढ़ लें। साथ ही मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगी, अगर आप इंडिया से इधर आ रहे हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो इंडियन बेडशीट ज़रूर साथ में लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर इंडिया के जैसा बेडशीट नहीं मिलता है, कुछ अलग तरीके का प्लेन सा मिलता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट करवा के आएँ, क्योंकि डेंटल ट्रीटमेंट यहाँ पे काफ़ी महंगा है, बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पर, और आपका जो ई कार्ड है गवर्नमेंट का इंश्योरेंस कार्ड जो आपको यहाँ पर मिलेगा उस पर वो कवर नहीं होता है, कुछ लिमिट तक ही रहता है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे करना पड़ेगा उसका। साथ ही आप अपना आई चेकअप भी करवा कर आएँ अगर आप इंडिया से यहाँ ट्रैवल कर रहे हैं इधर तो, और अगर आपको पावर वाला चश्मा लगा हुआ है तो आप एक्स्ट्रा बनवा कर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पर पावर वाला चश्मा भी काफ़ी महंगा बनता है। साथ ही अगर आप थोड़े धार्मिक हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो अपने भगवान की मूर्ति आप अपने साथ लेकर आएँ, छोटी मूर्ति लेकर आ सकते हैं, हैंड लगेज में लेकर आएँ, और पूजा पाठ का अगर आप सामान यूज़ करते हैं, मतलब आप थोड़ा पूजा पाठ अच्छे से करते हैं तो वो भी आप अपने साथ लेकर आ सकते हैं तो लेकर आइए। साथ ही अगर आप कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, आपको किंडल में पढ़ना पसंद नहीं है, ऑनलाइन पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप बुक्स वगैरह भी आप अपने जो भी रिलीजन है उससे रिलेटेड साथ में लेकर आ सकते हैं। अगला पॉइंट आ जाता है लगेज बैग का। तो आपका जो लगेज बैग है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आप अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और अपना नाम याद से चिपका दें, ताकि अगर आपका बैग कहीं गुम भी हो जाए तो लोग आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। तो ये थी कुछ ज़रूरी बातें और ज़रूरी सामान की लिस्ट जो आप ट्रैवल कर रहे हैं अगर आप इंडिया से या एशियन किसी कंट्री से यूरोप में, तो आपको साथ लेकर आना चाहिए सामान, और क्या चीज़ें आपको लेकर नहीं आनी चाहिए जो मैंने आज आपको बताई है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है और थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा, और अगर मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।